स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक या फिर विधान भवन रक्षक, जिसका पेपर 2 दिसंबर को हो चुका है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध है। आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर दाएं तरफ ऊपर ये जो आई का बटन देख रहे हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं जो कि पूरी तरह एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। चलिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए इस एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। वीडियो से पहले हम आपको बता दें कि यह कट ऑफ पूरी तरह एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर यह कट ऑफ हमने कुछ कैंडिडेटों से बात करने के बाद बनाया है। तो चलिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। आपको सिंपली वहां से क्लिक करके यहां पर आना है। आप यहां पे नीचे जाएंगे तो यहां पे सबसे पहले आपको डेट के बारे में बताया गया है और उसके नीचे ये बताया गया है कि यहां पे उम्र सीमा क्या रखी गई थी। यहाँ पर इसकी उम्र सीमा रखी गई थी 18 से लेकर 40 वर्ष। अब बात करें फिजिकल की तो यहाँ पे सभी भर्तियों में फिजिकल है, इसीलिए इसका कट ऑफ उतना हाई जाने के चांस नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सभी कैंडिडेटों को मेंस के जगह पे फिजिकल देना होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे कुल मिला के 664 पोस्ट थे, जिसमें से वनरक्षक के लिए 620 तथा विधान भवन रक्षक के लिए 44 पोस्ट निर्धारित किए गए थे। तो इससे पहले कि आपको कट ऑफ बताएं, सबसे पहले आपको बता दें कि ये पेपर कैसा था, क्योंकि पेपर को जाने बिना कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो पेपर में पूछा गया था हिंदी, जिसके प्रश्नों की संख्या थी 80, जीके जिसके प्रश्नों की संख्या थी 50 और रीजनिंग जिसके प्रश्नों की संख्या थी 50, और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का था। तो ये क्वेश्चन ऑफलाइन था ओएमआर पे, लेकिन यहाँ पे बुकलेट किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। तो जिन कैंडिडेटों से हमने बात किया उन्होंने बताया कि जो हिंदी का क्वेश्चन था 80 क्वेश्चन, वह बेहद हार्ड या फिर मॉडरेट किस्म का था। यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि लूसेंट या फिर इस तरह की और भी अच्छी बुक में भी नहीं मिल रहे थे। और बात करें जीके की तो जीके का क्वेश्चन बेहद आसान था। यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के उस सीएम का नाम बताइए जो कि गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर का हेड भी रह चुका है। तो जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल भी कुछ हार्ड नहीं था। तो लगभग सभी कैंडिडेटों का जीके और रीजनिंग ये दोनों पेपर तो सही हुआ है, लेकिन जो हिंदी का पेपर है वो सबका सही नहीं हो पाया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है और यहाँ पर हम इसके कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको फिर से हमारे वेबसाइट पे जाना होता है। तो रही कट ऑफ की बात, तो आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 120 से लेकर 130 के बीच होगी और ओबीसी के कैंडिडेटों की कट ऑफ 115 से लेकर 126 होगी। अब बात करें एससी की तो इनकी कट ऑफ 100 या फिर 110 के करीब रह सकती है और एसटी कैंडिडेटों की भी कट ऑफ 95 से लेकर 100 के बीच होगी। ये कट ऑफ पूरी तरह एक्सपेक्टेड है। तो हमारे हिसाब से यही कट ऑफ होनी है। अब आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होगी ये आप हमें कमेंट करके बता देंगे। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।